हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके लाइफ में खुशी में डबल कर दूंगा। आपने बहुत सारी इंक्वायरीज की थी, सर बजाज फाइनेंस के ग्रेड के बारे में बताइए, तो मैं आज बजाज फाइनेंस में ग्रेड के बारे में लेके आया हूँ, रैंक के बारे में लेके आ गया हूँ कि किस रैंक में कितनी सैलरी मिलती है, किस शहर में कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या काम डिटेल में है। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना, नहीं तो आपको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। कल मैं वैकेंसी आपके लिए लेके आऊँगा पैन इंडिया के लिए। देखिए, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंसर एक ही कंपनी है, ठीक है। इसमें अपन फाइनेंस का ही बात करते हैं, फिनसर में घुसते नहीं है अपन। तो फाइनेंस में वो कंज्यूमर लोन दे रही है, पर्सनल लोन देती है, ठीक है। कंज्यूमर लोन बजाज फाइनेंस ने स्टार्ट किया था, इसके पहले बैंक करती थी वो भी सैलरीज वाले को, ठीक है। तो इसने लाया, भूचा ला दिया, नया कंज्यूमर लोन, मोबाइल लोन, दुनिया भर का सब कुछ लो, ठीक है। इसमें सैलरी स्टार्ट होती थी 10,000 सैलरी, 25,000 का नेट आपका मंथली इनकम होता था। आप किसी भी फील्ड में काम कर लो, बजाज के किसी भी प्रोडक्ट में, और भी बहुत से प्रोडक्ट है बजाज के, ठीक है। तो मैंने पर्सनली जाके इंक्वायरीज की थी, लेकिन अब मुझको बताया बजाज में मेरे एक फ्रेंड काम करता है कि सर अब रैंक वाइज कर दिया गया है बजाज फाइनेंस में। बाकी जैसे श्रीराम ओपी में कर रहा है, एचडीएफसी एम में कर रहा है, M1 M2, वैसे ही बजाज अब रैंक ऑपरेशन रैंक जीबी ऑपरेशन 28, ठीक है, GBO 28, ठीक है, ये एक रैंक है, GBO 29, GBO 24, ये ऐसा रैंक है, ठीक है। इसमें आपका रैंक का कैसा रहेगा, ये आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, जैसे ये मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसका रैंक है, उसने MBA किया हुआ था, ठीक है। तो उसको मिला है GBO 28, ठीक है। उसकी CTC है 4 लाख रुपया पर NMM, 4.5 लाख रुपये पर NMM, लेकिन नॉन मेट्रो सिटी के लिए। वही अगर मेट्रो सिटी की बात करूँ मैं, जहाँ मैं मेट्रो सिटी हम जिसको मानते हैं बड़ी बड़ी सिटी है, ठीक है, वहाँ पर ये 5 लाख से 6 लाख बढ़ जाएगी। मतलब आपको जहाँ पर सैलरी अगर आपको 20-25 हज़ार मिल रही है, तो वहीं आपको मेट्रो सिटी में सैलरी सीधा 35 हज़ार मिल जाएगी, क्योंकि मेट्रो सिटी में ट्रैफिक है, पेट्रोल है, टैक्स ज़्यादा है, तो हर कुछ महंगा होता है, रेंट ज़्यादा महंगा होता है। तो उस हिसाब से काम करती है बजाज फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इसमें अगर आपको जॉब स्टार्टिंग में ही जाना है, आपको बजाज फाइनेंस में जॉब ज्वाइन करना है, तो आप बजाज के साइट में जा सकते हो, या फिर बजाज के ऑफिशियल कैरियर, बजाज फाइनेंस कैरियर में जाओगे तो वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऑफिस भी जाके आप विजिट करके अपना रिज्यूम दे सकते हो और इंटरव्यू कन्फर्म करा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कौन सा रैंक लेना है। देखो, MBA बेस को वो दिया है GBO 28, ठीक है, वही MBA बेस एक्सपीरियंस होता तो GBO 30 दे देता, 31 दे देता। वैसे अगर ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस है आपको, तो ये ग्रेड और बढ़ते जाएगा। तो वही है, पूरा ग्रेड का खेल हो गया आजकल। आजकल कोई सीनियर, आजकल कोई जूनियर नहीं है। पहले होता था, जो पहले आता था जूनियर एग्जीक्यूटिव चालू करता था, फिर सीनियर बनता था, ऐसा होता था। जो पहले जॉब कर लिया वो पहले कर लिया, उसका वो परफॉर्मेंस कर के ही आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है NBC का और बैंकिंग का, आपको MNC का, किसी का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको ये एक्सपीरियंस सेल्स में काम आएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 वर्ष से 3 वर्ष होना चाहिए, 1 वर्ष का भी है तो आप लगा दो, लेकिन मैं नहीं मानता कि 1 वर्ष का एक्सपीरियंस बहुत होता है। बोलेगा 1 वर्ष में ही आप अपने काम छोड़ क्यों दिया, तो मिनिमम 2 वर्ष काम करो, तो लगेगा 2 वर्ष काम किया था, अब ये आदमी बंदा और इसी लाइन में काम करेगा। तो उसके हिसाब से जब भी आप HR इंटरव्यू लेगा, तो आपको ग्रेड के हिसाब से आपको पोस्ट देगा, चाहे असिस्टेंट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, चाहे आपको कोई भी पोस्ट दे दे, टीम लीडर, क्या कुछ भी पोस्ट दे दे, ये पोस्ट है, लेकिन अदरवाइज काम आपको फील्ड में ही करना पड़ेगा। इनका पोस्ट का डेफिनेशन असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन उनको बोला गया फील्ड में भी जॉब करोगे, ठीक है।
तो बजाज फाइनेंसर या कुछ भी, ये सिर्फ ग्रेड बढ़ा है, काम सैलरी बढ़ गई है, इंसेंटिव बढ़ गया है, लेकिन काम आपको फील्ड में ही करना है। फाइनेंस कंपनी में ऐसा कोई भी जॉब नहीं है ऑडिट को छोड़ के जिसमें फील्ड में नहीं जाना पड़े। लीगल एडवाइजर से लेके क्रेडिट मैनेजर से लेके अपना स्टेट हेड, सबको फील्ड में जाना पड़ता है। फील्ड के बिना फाइनेंस कंपनी का काम अधूरा है। एक श्रीराम अभी निकाली है जिसमें पर्सनल लोन में वो बिना फील्ड के काम दे रही है, वो भी उड़ीसा रीजन में। अभी वो आपके रीजन में अभी आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंसर में ये ग्रेड चल रहा है, मैं आपको बता दिया। इसके हिसाब से आप इंटरव्यू देंगे तो अपना एक्सपीरियंस, अपने सब कुछ लिखेंगे, या आपका एचआर पहचान का होगा या कोई भी आपका मैनेजर पहचान का होगा, तो उसको बोलना सर मेरा ग्रेजुएशन प्लस ये है ये है, तो मुझको ग्रेड अच्छा दे दीजिए, जे बी ऑपरेशन 29 30 31 ऐसा करके ऑपरेशन दे दीजिए, मुझको अच्छा बड़ा पोस्ट दीजिए ताकि आपकी सैलरी और इंसेंटिव और अलाउंस बढ़ के मिले। बाकी बजाज फाइनेंस मेन काम आपका चलता है पर्सनल लोन का है, रिकवरी का है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन वो प्रोडक्ट है जो जैसे जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे डिजिटली प्रोडक्ट जो होते हैं टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा है, अभी ये सब प्रोडक्ट हैं, आपको बस उनको सेल करना है। और बहुत बोलते हैं फाइलें कैसे मिलेंगी, फाइलें कुछ नहीं मिलेंगी आपको, इनके ऑफिस देखिए ये तो रोड में बिकता नहीं है, या आपको फील्ड में, आपकी फील्ड होगी स्टोर होगी, बड़ा शोरूम होगा, मार्ट होगा, वहाँ पर जाना है, वहाँ अपना कार्ड देना है, कोई मोबाइल शोरूम में जाना है, अपना कार्ड देना है कि मैं बजाज फाइनेंस से हूँ, मैं ये फाइनेंस करता हूँ, मैं ये फाइनेंस करता हूँ, मैं कंज्यूमर फाइनेंस करता हूँ, मैं पर्सनल फाइनेंस करता हूँ। तो आपको जब भी उसको मोबाइल बेचना होगा तो आपको फ़ोन करेगा सर एक कस्टमर आया उसको आपको, लेकिन आपको इस लोन में, क्योंकि ये प्रोडक्ट कभी भी बिकता है, ऐसा नहीं है कि ये शाम के बाद बिकेगा या दिन के बाद बिकेगा। कई प्रोडक्ट होते हैं जैसे गाड़ी होती है सुबह बिक गई शाम को बिक गई, ठीक है, पर्सनल लोन का कोई, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आदमी दिन भर लेते ही रहता है। अभी तो दिवाली वाली चल रहा है, उस सुबह कभी भी 11 बजे से लेकर कभी भी टीवी उठा लिया, फ्रिज उठा लिया, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपका मोबाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बंद है या स्विच, आपको जैसे फ़ोन किया आप कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं तो उनको बता दो सर मैं कस्टमर को हैंडल कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, फटाफट वहाँ पर काम करो, यहाँ पहुँचो। आप अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो वो केस फिर किसी और को देगा। जो अच्छा काम करेगा, जो फास्ट काम कर, फाइनेंस कंपनी में क्या होता है, जो फास्ट काम करता है ना, डीलर भी उसी को केस देता है, बीएम भी उसी को केस देता है, और जो जो भी होगा आपका आपका सहपाठी भी होगा तो बोलेगा यार वो बहुत लेट करता है यार केस करने में, मेरा खास कस्टमर का फाइल है, अगर अदर सेगमेंट का वो उसको देगा, भले उसे नहीं पढ़ता होगा लेकिन यार ये बंदा या 2 घंटे में कर देगा, ये अप्रूवल ले लेगा, ये फटाफट भरता। तो आपको सबसे पहले इसमें फाइल भरना सीखना है, आपका जो ऑनलाइन फाइल होता है वो भरना सीख जाओ, साइनिंग सीख जाओ, बाकी ऐप है ऐप से निकाल लोगे, या फिर आप कितने का आयरन में कर रहे हो उससे आपको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, फटाफट, मतलब कस्टमर आया, कस्टमर मोबाइल फाइनेंस किया, उस घंटे में उसको डीओ मिल जाना चाहिए, फटाफट भरे भरे अप्रूवल कर डाल दिए, अप्रूवल पड़े रहता है छोड़ दिए मोबाइल, ऐसे काम करो। दुकान वाले को भी टाइम नहीं है, उसको भी 10 मोबाइल या 20 मोबाइल बेचना है, ऐसा नहीं है कि उसको एक ही मोबाइल बेच दिया उसको फ़ायदा हो गया। तो एक्टिव रहो, जितना एक्टिव रहोगे, जितना फास्ट काम करोगे, फाइनेंस लाइन का ये वसूल है, गोल्डन टिप है, जितना फास्ट काम, जितना एक्टिव रहोगे उतना केस मिलेगा, उतना ग्रोथ होगा, उतना आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। यही मैंने सीखा है फाइनेंस लाइन में कि फास्ट एक्टिव रहना है, तो डीलर वाला भी चक मार के अगर केस उसके पास भी जाता रहेगा ना, बोलेगा यार तो शाम लगा देगा, अरे यार ये बंदा 2 घंटे में लास्ट गाड़ी कर दिया था यार, इसको देता हूँ, क्योंकि उसको भी गाड़ी शाम तक निकालना, उसका भी केस है। तो हर जगह से आपको मिलेगा, बस आपका काम जो काम आपका 3 घंटे में होता है वो आपको 1 घंटे में करना सीखना पड़ेगा। आपको AI बनना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, आप AI बन गए तो आप फाइनेंस के लीडर बन गए, ठीक है, इस पर अलग मैटर बनाऊंगा। इसी प्रकार मैं हर कंपनी का, महिंद्रा का भी ले आऊँगा और सब कुछ ले आऊँगा,
कि कौन सी कंपनी किस ग्रेड पे काम कर रही है और आपके लिए कौन सा ग्रेड अच्छा रहेगा। इसमें JBO 28 से चल रहा है, इसमें सैलरी इसमें इनका 4 लाख रुपया है, फिर मेट्रो सिटी में 5 लाख रुपया है और हर सिटी का स्टाफ से बढ़ते जाएगा एनिमम पैकेज ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस है तो आपको यही सैलरी मिलेगा। आप 4.5 लाख के हिसाब से पर मंथ निकाल सकते हैं आराम से, आप मेट्रो सिटी में तो 5 लाख से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए यही है, आप अपना एक्सपीरियंस अपना हुनर सब कुछ करके चलिए, आपका प्रमोशन आपकी लाइफ सेटल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितना फाइनेंस में कमाया है शायद ही बहुत कम लोगों ने कमाया है, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र बहुत अलग था, नक्सली क्षेत्र था। बहुत बड़ी बात है, मैं कभी और आपसे कहूँगा इस बारे में पर्सनली, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर दोस्तों।